हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा कि आप लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं कि हमने इंट्रोडक्शन शूट किया था कि इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन क्या है और इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलास के ऊपर हमने डिस्कस किए थे कि सभी फॉर्मूलास क्या है। आज हम लोग इसके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, पर एक बात हम आपको बोलेंगे कि क्वेश्चंस को देखने से पहले या क्वेश्चंस का वीडियो देखने से पहले आपको इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन का वीडियो देखे आप लोग क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन अटेंड करने के लिए हम लोग को इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है, और इंट्रोडक्शन इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया है कि इंटीग्रेशन है क्या और इंटीग्रेशन में हमें किस किस चीजों के ऊपर डिस्कस करना है और किस किस चीजों के ऊपर फोकस करना है इंटीग्रेशन में। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में हम लोग को पूरे के पूरे फॉर्मूलाज पे कमांड करना है और जितना भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज है उन सभी चीजों के ऊपर भी डिस्कस करना है। तो अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना है तो हम उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन में देने के बाद उसके वीडियोस को भी वहां पे आपको हम दिखा देंगे किस तरह से करके, या आप लोग डायरेक्टली हमारे चैनल पे जाके उस इंट्रोडक्शन के वीडियो को देख सकते हो, जो कि चैनल है द सक्सेस विंग। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके कुछ सम के ऊपर, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, जैसे हम सात क्वेश्चन लिख लिए हैं कि सात क्वेश्चन क्या क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम दिए हैं इंटीग्रेशन का, वो है इंटीग्रेशन ऑफ 8 to the power 2 plus x। चलिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 8 to the power 2 plus x minus 4 to the power 2 minus x whole divided by 2 to the power x plus 3 dx। देखिए, ये एक क्वेश्चन हमारे पास पहला। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सेपरेट कर लेते हैं दोनों पार्ट में, कि जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन पूरा सेपरेट हो जाएगा तभी हो पाएगा, तो यानी कि हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। तो लिखेंगे 8 to the power 2 plus x divided by 2 to the power x plus 3 dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 to the power 2 minus x divided by 2 to the power x plus 3 dx। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 8 को हम लोग एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब हो गया कि 8 को हम लोग 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम लोग 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और जो पावर जैसा था वैसे ही पड़ा हुआ है, और डिवाइडेड बाई 2 to the power x plus 3 dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 को भी लिख रहे हैं का स्क्वायर 2 minus x divided by 2 to the power x plus 3 dx। यानी फाइनली अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का पावर इस तरह के कॉन्सेप्ट में रहता, दैट मीन्स a to the power x by a to the power y, तो इसे हम लोग लिखते हैं a to the power x minus y। तो बेस सिमिलर है, पावर माइनस हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे 6x plus 3x, और नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x minus 3 dx, माइनस सेम एज सेम यहाँ पे भी 2 to the power 4 minus 2x minus x minus 3 dx। यानी फाइनली हमारे पास आया है ये 2 to the power 6 में से 3 किया 3 और प्लस 2x dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ भी हो जाएगा हमारे पास 2 to the power। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 मीन्स 1 बचेगा और फिर माइनस 3x dx। अब इसे भी हम लोग तोड़ सकते हैं, देखिए 2 to the power 3 into 2 to the power 2x dx, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। यहाँ भी लिखेंगे 2 to the power 1 into 2 to the power minus 3x dx, यानी फाइनली हमारे पास आ गया 8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power 2x dx, और माइनस इधर हो गया हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power minus 3x dx। अब हम आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाए थे इंटीग्रेशन में, याद होगा आप लोगों को कि इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx लिखवाए थे, सॉरी mx ले लेते हैं, तो लिखवाए थे a to the power mx by m log a प्लस c, बेस में e भी बताए थे, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, 2 इज अ ए, यानी 8 इंटू
टू टू द पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू लॉग टू बेस ई माइनस टू इंटू, यहां पे वही काम करेंगे, टू टू द पावर माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई माइनस थ्री लॉग बेस लॉग टू बेस ई प्लस सी। यहां से हमारे पास टू से ये कट गया फोर टाइम में, यानी फाइनली हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया टू पाई लॉग टू बेस ई। तो हमारे पास बचा है टू इंटू टू टू द पावर टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू टू द पावर माइनस थ्री एक्स बाई थ्री प्लस सी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थ्री एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स। देखिए एकदम ट्रिक बताते हैं, एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। वन बाई टू एक्स्ट्रा लिए तो यहाँ हो गया टू साइन स्क्वायर थ्री एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम यहाँ पे एक टर्म लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग पढ़ा हम आपको पढ़ाए थे कॉस टू ए का फॉर्मूला। कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल जितना बार है उसका आधा बार आएगा, ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो अगर यहाँ से हमको साइन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस टू ए, साइन स्क्वायर निकालना है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी अगर हम लोग टू साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं तो निकल रहा हमारे पास वन माइनस कॉस टू ए। यानी अगर एंगल को हम यहाँ तीन बार करेंगे तो यहाँ छः बार होगा, यही बात है, क्योंकि हम बताएं कि यहाँ पे जितना बार होता है उसका आधा लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम छः बार लिखेंगे तभी यहाँ तीन बार होगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए नाउ वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस सिक्स एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस फोर एक्स ऑलरेडी है हमारे पास। यानी कि वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फोर एक्स डी एक्स और फिर माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस सिक्स एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स। अब देखिए कितना आसान हो गया ये। वन बाई टू कॉस फोर एक्स का होता है साइन फोर एक्स बाई फोर माइनस वन बाई टू और इंटू अगेन दिए वन बाई टू तो इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉस सिक्स एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स। देखिए वन बाई एट साइन फोर एक्स माइनस वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यानी लिखेंगे कॉस ए प्लस बी दैट मीन्स सिक्स प्लस फोर यानी टेन टेन एक्स और फिर माइनस सिक्स माइनस फोर यानी कि कॉस सॉरी माइनस नहीं प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स। यानी फाइनली हो गया हमारे पास वन बाई एट साइन फोर एक्स माइनस वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टेन एक्स डी एक्स और माइनस वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स। यानी हो गया हमारे पास वन बाई एट साइन फोर एक्स माइनस वन बाई फोर्टी साइन टेन एक्स और फिर माइनस वन बाई एट साइन टू एक्स प्लस सी। जैसे ही ये सी खत्म जैसे ही ये खत्म हुआ इंटीग्रेशन हम सी लिखे वेयर सी इज अ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ये हमें शो करना ही पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे शायद भूल गए थे सी लिखना, उसको हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं इस साइड में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सी लिखे हैं। देखिए यहाँ पे सी इज अ कॉन्स्टेंट, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन रिमूव होता है उसे हम लोग कॉन्स्टेंट का साइन से डिनोट कर देते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हो गया हमारे पास आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री जो है हमारे पास वो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ वन प्लस साइन एक्स बाई टू डी एक्स। ये क्वेश्चन देखिए
आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। देखिए वन प्लस साइन एक्स बाई टू है, वन प्लस साइन एक्स बाई टू है, तो हम लोग कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर। हम लोग सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर वन होता है, प्लस आप लोगों सभी को पता है कि साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, या टू ए लिखते रहे, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए, ठीक। तो अगर हम यहां पे कर देते हैं साइन सिर्फ ए, तो ऑब्वियस बात है यहां दो बार था तो एक एक बार आया है, तो यहां पे हो जाएगा आधा, यानी साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। और फिर अगर मान लीजिए हम यहां पे और कम कर देते हैं, जैसे इसको आधा ही कर देते हैं, तो ये और कम हो जाएगा, यानी टू साइन ए बाई फोर कॉस ए बाई फोर। तो यानी कि हमारे पास जो टर्म दिया हुआ है उसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस में टू साइन एक्स बाई फोर कॉस एक्स बाई फोर डी एक्स अंडर रूट। देखिए इसे फ्रेश लाइन कर देते हैं एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस टू साइन एक्स बाई फोर कॉस एक्स बाई फोर डी एक्स। देखिए ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आया, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दैट मीन्स फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली साइन एक्स बाई फोर प्लस कॉस एक्स बाई फोर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर में रहेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो यानी कि दो बार है तो यानी एक बार बाहर आ गया रूट से। तो अब हमारे पास फाइनली बचा क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई फोर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई फोर डी एक्स। कैसे करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। हम बताएं कि साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एम एक्स माइनस में, यानी कि यहां भी होगा हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली कॉस, तो तुम लोग बोलोगे यहां पे कि एम एक्स कहाँ है, एम यहां पर हो गया वन बाई फोर, यानी कि माइनस कॉस एम एक्स बाई एम। फिर प्लस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, यानी यही चीज लिखेंगे साइन एक्स बाई फोर बाई वन बाई फोर, क्योंकि यहाँ पे एम का काम कर रहा है वन बाई फोर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस फोर कॉमन ले लिया हम यहाँ से, तो बचा हमारे पास कॉस एक्स बाई फोर माइनस साइन एक्स बाई फोर प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर इस तरह क्वेश्चन का। तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर, माफ करिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर ये भी हम लोग डिस्कस किए, तो चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर अब हम लोग को डिस्कस करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस साइन टू साइन एक्स। कैसे करके सॉल्व करते देखिए, अभी भी हम बताएं कि कॉस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन में क्या होता है, दैट मीन्स कॉस टू ए को हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइन में लिखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और फिर माइनस, यहां भी लिखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई, जो जैसा है नीचे में उसको ऐसे ही रहने दीजिए, इस पर कुछ नहीं करना हम लोग को, हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे तो हो जा रहा है टू साइन स्क्वायर अल्फा नहीं साइन स्क्वायर एक्स सॉरी, और वन माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा साइन एक्स डी एक्स।
यानी कि वन और वन कैंसिल हो गया, टू कॉमन जा रहा है और प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं, तो यानी हो जा रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए कितना सिंपल कर दिया इस क्वेश्चन को, साइन अल्फा माइनस साइन एक्स, यानी कि टू बाहर निकाल दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, तो सबसे पहले हम अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी और फिर हम अप्लाई कर देंगे ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन अल्फा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस साइन एक्स। चलिए ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, यानी यहां जो हमारे पास साइन अल्फा है वो कांस्टेंट काम करेगा, तो बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा और फिर प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, टू एक्स साइन अल्फा और माइनस टू कॉस एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर। यहां से टू कॉमन भी ले सकते हैं, तो टू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स साइन अल्फा माइनस कॉस एक्स प्लस, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। ये था हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। पांचवें नंबर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टू साइन एक्स, वन प्लस टू साइन एक्स डीएक्स। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारा पूरा टर्म साइन में है तो एक को कॉस में रख के कोई फायदा नहीं है, तो इसको भी हम लोग साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी भी ऊपर में लिखे हैं कि कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो लिख दीजिए इसको वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टू साइन एक्स डीएक्स, यानी कि हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को कॉमन लग देते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टू साइन एक्स डी एक्स। मिड टर्म हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए टू वन या टू माइनस करके लाना है वन, यानी लिख सकते हैं डायरेक्टली टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई वन माइनस वन प्लस टू साइन एक्स डी एक्स, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं टू साइन एक्स, तो बचा हमारे पास साइन एक्स माइनस वन और यहाँ प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच रहा है साइन एक्स माइनस वन होल बाई वन प्लस टू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसमें देख लीजिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास आ गया टू साइन एक्स प्लस वन एक जगह पे और साइन एक्स माइनस वन एक जगह पे डिवाइडेड बाई वन प्लस टू साइन एक्स डी एक्स, टू साइन एक्स प्लस वन और टू साइन एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस वन डी एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, यानी प्लस कॉस एक्स और फिर माइनस माइनस प्लस वन, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स और प्लस सी। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में वन माइनस थ्री कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए किस तरह से हम लोग, देखिए एक बात बता देते हैं बाबू यहाँ पे आप लोग को कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको प्रॉपर वे में इंटीग्रेट ना करें या प्रॉपर वे में स्टार्ट ना करें तो हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है इंटीग्रेशन में, जिसमें फिर हम लोग के पास घूर फिर के वही आ जाता है और जिसमें प्रॉब्लम हो जाता है इंटीग्रेट करने में। तो इसीलिए आपको प्रॉपर वे सेलेक्ट करना है कि आपको एक ही कौन सा ऐसा मेथड को पकड़े कि जिससे ये एक बार में हो जाए, ठीक है। और देखिए नॉर्मली हम आपको एक बात बताएंगे, कोशिश यही रखिएगा कि एक बार में हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है जब क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होना चालू हो जाता है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करके सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और फिर जो जैसा यहां पे इंटू में वन माइनस थ्री कॉस क्यूब एक्स उसको वैसे ही रहने दिए डी एक्स, यानी हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई साइन होता है कॉट और वन बाई साइन होता है कॉसेक, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स इसको हम सेपरेट भी कर ले रहे हैं इसी के साथ, वन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रह जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारे पास माइनस थ्री को बाहर निकाल दिए कॉस टू द पावर फोर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए हम आप लोगों को फॉर्मुला जब पढ़ाए थे फर्स्ट पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जब पढ़ाए थे, तो फर्स्ट पार्ट में इंट्रो में हम बताए थे कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो यानी हम लोग इसको लिख देते हैं माइनस कॉसेक एक्स और माइनस थ्री इंटू, देखिए इसको सॉल्व करना जरूरी है यहाँ पे कॉस टू द पावर फोर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर और कॉस टू द पावर फोर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स जैसा है वैसे ही पड़ा हुआ है। अब इसमें a प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दीजिए थ्री इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर फोर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेपरेट कर लेते हैं माइनस कॉसेक एक्स माइनस थ्री वन बाई साइन को हम लोग लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो वन बाई साइन स्क्वायर को हम लोग लिखे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स हो गया थ्री टू जा और इसके नीचे ये जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ डी एक्स बचेगा, और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर फोर है और यहाँ साइन स्क्वायर है यानी कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स, तो अभी अभी बताएं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, क्योंकि हम टू साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू बताए थे तो टू साइन स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास माइनस कॉसेक एक्स माइनस थ्री कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का सॉरी माइनस कॉट एक्स और फिर प्लस सिक्स एक्स और फिर माइनस थ्री इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स, यानी हो गया हमारे पास माइनस कॉसेक एक्स प्लस थ्री कॉट एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री बाई टू होगा सॉरी ये माइनस थ्री बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स, यानी फाइनली आया हमारे पास माइनस कॉसेक एक्स प्लस थ्री कॉट एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू प्लस थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू साइन टू एक्स, हम जानते हैं कि कॉसेक एक्स का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स बाई, तो साइन एम एक्स अगर रहेगा तो कॉस एम एक्स रहेगा तो साइन एम एक्स बाई एम, यानी यहाँ हो गया हमारे पास इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9, यानी हो गया हमारे पास 9 एक्स बाई टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस थ्री कॉट एक्स प्लस थ्री बाई फोर साइन टू एक्स प्लस सी, तो ये हो गया हमारे पास चौथे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और चौथा नंबर क्वेश्चन छह नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और सिक्स नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे करके सॉल्व किया है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि सेवन नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन हमारे पास साइन एक्स साइन टू एक्स और साइन थ्री एक्स डी एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस बेसिक पार्ट का, ठीक है, इसके बाद हम इस डिस्कस करेंगे हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड पर, सब्सटीट्यूशन मेथड पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड क्या है, पर इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करते हैं। देखिए इस
क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल वे बताते हैं आपको। 1/2 एक्स्ट्रा लेंगे और लिखेंगे 2 sin x sin 2x, और इनटू में हमारे पास उसको छोड़ दीजिए sin 3x को जैसा है वैसे ही। 1/2, अब देखो 2 sin a sin b को हम लोग लिखते हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, यानी हो जाएगा हमारे पास cos a माइनस बी, दैट मीन्स हम 2 को a कंसिडर कर रहे हैं, और माइनस cos a प्लस बी दैट मीन्स 2x प्लस एक्स, और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है sin 3x dx, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा ये हमारा cos x माइनस cos 3x और इंटू sin 3x dx। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करिए तो 1/2 पूरे के लिए कॉमन ही रहने देते हैं, तो यहाँ हो जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x sin 3x dx। पूरे को क्या कर रहे हैं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो यानी हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3x cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3x cos 3x dx। चलिए 1/4, आप लोग को भी याद होगा कि 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है sin a plus b plus sin a minus b, यानी हो जाएगा sin a plus b, दैट मीन्स 3x plus x, यानी कि 4x हो गया हमारे पास, और फिर प्लस sin a minus b, यानी कि sin 3x और 2x, यानी हो गया हमारे पास sin 2x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, सभी लोग जानते हैं कि 2 sin a cos b को हम लोग लिखते हैं sin 2a, 2 sin a cos a को हम लोग लिखते हैं sin 2a, तो 2 sin a cos a है, दोनों का एंगल सिमिलर है, यानी कि हो जाएगा हमारे पास sin 2a, दैट मीन्स sin 2a, यानी कि 6x हो गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास फाइनली। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x dx, यानी हो जाएगा ये 1/16 माइनस में cos 4x, क्योंकि माइनस होता है, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस में 1/8 cos 2x, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में 1/24 cos 6x plus c। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इक्वली माइनस कॉमन जा रहा है और 1/8 तीनों में से कॉमन जा रहा है, तो 1/8 कॉमन ले लिया या फिर 1/24 कॉमन ले रहा है। देखिए थोड़ा सा एक और चीज़ सीखिए कि हम लोग फ्रैक्शन को कैसे रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, तो 1/24 कॉमन ले लिए, तो हम लोग जानते हैं 24, यानी ऑब्वियस बात है कितना एक्स्ट्रा गया, यहाँ पे 16 हमको लेके आना है और 24 हमारे पास दिया हुआ है, तो कितना यहाँ पे हम लगाएंगे कि जिससे हमारा 24 आ जाए और 16 भी आ जाए, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैलकुलेट करिए इसको, क्योंकि कॉमन तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जा रहा था 16, तो 24 है, 24 के टेबल में 16 कितना बार में आएगा, इस चीज के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं -1/8, क्योंकि तीनों में इक्वली 1/8 कॉमन जा रहा है, तो 1/8 कॉमन लिए तो हमारे पास हो गया यहाँ पे 1/2 cos 4x माइनस cos 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस भी कॉमन है 2x, और फिर ये माइनस हो जाएगा 1/8 कॉमन है, यानी 3 टाइम में जाएगा, तो 3 cos 6x plus c, ये हो गया हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन का आंसर। तो ये है हमारे पास इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट, जिसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक टर्म बोल के देख लीजिए, एक फॉर्मूला बोल के देख लीजिए, इसको फॉर्मूला ही बोला जाता है या रूल्स ही बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे भी इंटीग्रेशन में ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log x dx,
तो एक बात बता देते हैं बाबू, e टू द पावर log x को हम लोग लिखते हैं x, मतलब डायरेक्टली e टू द पावर log x को हम लोग x लिखते हैं, तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x dx। अगर मान लीजिए इसी फॉर्म को कुछ इस तरह से लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3 log x dx, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं e टू द पावर log x क्यूब dx, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी log के एंगल में अगर पावर रहता है तो पावर स्प्लिट होकर सामने आ जाता है, तो वो सामने को हम लोग ऊपर भी ले जा सकते हैं। इसी का एक और नोट बोल के हमारे पास है, उसको भी देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर 4 log बेस ए एक्स, इसे हम लोग क्या लिखेंगे dx, तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 4, क्योंकि a a कैंसिल हो जाएगा, अगर यहाँ पे बेस में कुछ और रहा तब ये नहीं होगा, तब ये पॉसिबल नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रह जाएगा, पर अगर बेस में सिमिलर दिया हुआ है जिसके ऊपर पावर में दिया हुआ वही बेस लॉग का बेस है, तो यानी कि ये x टू द पावर 4 हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो ये दो चीज था जो आप लोगों को दिमाग में रख लेना है, और बाकी आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, अगर जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम होता है, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है वो आप लोग मेरे को फ्रीली सेंड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम आपको अलग से फिर सॉल्यूशन उसका बताएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और इसे जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा।